मतलब बोलायचं आहे काहीतरी. ओके देखो, तो यहां पे इस क्वेश्चन में दिया है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1.0. तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे भारी वर्ड कौन सा है? मेजर्ड वैल्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट. इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1.050, व्हाट डज दैट सिग्निफाई? दैट सिग्निफाइज दैट कि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट है 0.01. ये पॉइंट समझ गया. जैसे अगर सेंटीमीटर यानी जो एमएम स्केल है, एमएम स्केल से जो मेजरमेंट दिया गया है अगर वो है 5.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर. तो जब यहां बोला जा रहा है कि the resistance, the measured value of resistance is 1.050. ये किसके सपने में नहीं आया कि resistance का value इतना है, बता दो. ये किसने मेजर किया है? किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके. तो जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया है अगर उससे सेकेंड प्लेस तक सही वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.010. ये समझ में आपको? और जो लीस्ट काउंट है वही है मैक्सिमम परमिसेबल एरर, ये हमने डिस्कस किया था, सही है? तो ये मिल गया डेल्टा आर. अब आप ले लो डायमीटर. डायमीटर कितना है? 0.60 mm. तो इसका लीस्ट काउंट क्या रहा होगा इस इंस्ट्रूमेंट का? 0.01. सेकेंड प्लेस तक सही मेजर कर रहा है. और आगे क्या लिखोगे? mm. तो दिस इज डेल्टा डी, दिस इज डेल्टा डी. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लेंथ. लेंथ कितना दिया है? 75.3 सेंटीमीटर. तो ये फर्स्ट प्लेस तक है ना, इसका सही रीडिंग दे रहा है. तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो ऐसे 0.1 सेंटीमीटर. और ये है डेल्टा एल, मैक्सिमम परमिसेबल एरर इन द लेंथ. ये क्लियर आपको? अब आते हैं हम लोग सवाल पे. पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी में मैक्सिमम परमिसेबल एरर क्या होगा, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहां से रेजिस्टिविटी आएगा आर ए बाई एल, ठीक है? आर को आर रहने दीजिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर रेडियस, या पाई डी स्क्वायर बाई फोर. पाई डी स्क्वायर बाई फोर ये होता है एरिया, ये तो आप जानते हैं, है ना? डी मतलब डायमीटर. कैसे आए एक बार देख लो. तो पाई आर स्क्वायर, आर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई टू, तो वहां से आया पाई डायमीटर स्क्वायर बाई फोर. क्लियर है? अच्छा, तो ये आ गया आपने पास और नीचे आ गया रेड. ये क्लियर है आपको? ठीक है. अब आप देखो इसमें जो पाई और फोर है, पाई और फोर कॉन्स्टेंट है. पाई और फोर क्या है? कॉन्स्टेंट्स. तो कॉन्स्टेंट्स का क्या करें? अब ये एक रखा, कॉन्स्टेंट्स का क्या किया जाए? तो आप ये देखो कि रो जो आया है वो आया है पाई बाई फोर आर डी स्क्वायर बाई ए, है ना? ये कॉन्स्टेंट है. तो जब मैं फ्रैक्शनल एरर निकालूंगा, इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर, मतलब डेल्टा रो बाई रो, एक्चुअली ये पाई बाई फोर ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. जब हम डेरिवेशन करते तो भी फ्रैक्शनल एरर में कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं लिया जाता, कॉन्स्टेंट का वैल्यू दिया जाता है एब्सोल्यूट एरर में. इसमें दिया जाता है, यानी अगर मुझे सिर्फ डेल्टा रो निकालना हो तो मैं पाई बाई फोर को रखूंगा, लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालना है, यानी सिर्फ मुझे डेल्टा रो बाई रो निकालना है, ठीक है, डेल्टा रो बाई रो करना है, तो ये डेल्टा रो निकालते वक्त भी पाई बाई फोर ऊपर आएगा और रो में भी पाई बाई फोर आएगा. वो पाई बाई फोर और पाई बाई फोर क्या हो जाएगा? वो कैंसिल होगा. यानी फ्रैक्शनल एरर निकालते वक्त कभी भी कॉन्स्टेंट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. तो बचा कौन? बचा सिर्फ ये तीन, ये आर रेस टू वन, डी रेस टू टू और एल रेस टू वन. इट इज सिमिलर टू ए रेस टू एम, बी रेस टू एन और सी रेस टू एन. तो जैसे इसके लिए आप क्या लिखते हैं? एम इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस सी इंटू एन इंटू ए
MNP ले दो MNP, तो फिर ये क्या होता है P इंटू डेल्टा C बाई C, तो बस यही काम करना है। तो यहाँ पे R रेस टू वन है, R रेस टू वन, तो वो हो जाएगा वन इंटू डेल्टा R बाई R, फिर प्लस तो डालना ही है क्योंकि जितने भी हमने किए डेरिवेशन सब में बीच में क्या आना है प्लस, और ये D रेस टू टू है तो टू को आगे चिपका दो तो टू इंटू डेल्टा D बाई D, और ये लेंथ है इसके ऊपर वन है तो आप लिखोगे प्लस वन इंटू डेल्टा एल बाई एल और आगे लिखोगे प्लस वन। ये पॉइंट समझ में आपको ठीक है, और कॉन्स्टेंट का कोई रोल नहीं होता जब फ्रैक्शनल एरर लिया जाता है, ये पॉइंट समझ में आए ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे वो एनी हाउ क्या होने वाला है, वो कैंसिल होने ही वाला है ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर ध्यान से, तो यहां पे मुझे बस अब वैल्यूज पुट करने, तो डेल्टा आर बाई आर अभी सॉरी डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा रो बाई रो अभी डेल्टा आर का वैल्यू कितना है 0.01 मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन आर, तो 0.01 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 1. दोनों ओम है तो वो ओम और ओम तो क्या हो जाएगा ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, फिलहाल आप लिख दो ओम। अच्छा इसके बाद क्या आएगा प्लस टू इंटू डेल्टा डी बाई डी, तो डेल्टा डी का वैल्यू कितना है, डेल्टा डी का वैल्यू कितना है 0.01 एम, आप लिखोगे 0.01 बाई, और डी का वैल्यू कितना है 0.60, दोनों एम एम में है ठीक है। और लास्ट आएगा आपका डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल कितना है 0.1 और एल है 75.3 ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 75.3, तो 1 इंटू तो 1 इसको हटा सकते हैं ठीक है, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा रो बाई रो, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाँ, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/105 प्लस ये आएगा 2/16 और ये कितना आएगा 1/75.3, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आएगा वो फ्रैक्शनल एरर ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग एक बार कैलकुलेटर से और बताओ मुझे क्या आंसर आता है इसका, और इसको इनटू 100 करेंगे तो आएगा परसेंटेज एरर। तो अभी डेल्टा रो बाई रो का जो वैल्यू है ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.04 आएगा, तो ये क्या है, ये है फ्रैक्शनल एरर ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो तो ये फ्रैक्शनल एरर है। अब अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो वो क्या होगा, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 यानी 0.04 इंटू 100 यानी 4% का एरर आएगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी। तो अभी अगर हम लोगों को मान लो सिर्फ डेल्टा रो निकालना होता, डेल्टा रो क्या है, डेल्टा रो है, डेल्टा रो क्या है एब्सोल्यूट एरर है, तो ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा रो है, ये क्या है फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टिविटी, ये क्या है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी, और अगर हमें निकालना है सिर्फ एब्सोल्यूट एरर डेल्टा रो तो वो कहां से आएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन आया आपका डेल्टा रो बाई रो का वैल्यू यहाँ कितना आया है 0.4, तो प्लस माइनस 0.0। अगर तुम्हें डेल्टा रो चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस रो को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस माइनस 0.04 इंटू रो, समझ में आपको, लेकिन पहले रो निकालना पड़ेगा। अब रो का फॉर्मूला, रो कितना आया आर ए बाई एल आया, तो अब आपको सारे वैल्यूज पुट करने पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितना था 1.05, एरर भूल जाओ, वैल्यू पुट करना है रेजिस्टेंस का, और एरिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4 ना, डायमीटर कितना था 0.60 mm, आपको लिखना पड़ेगा 10^-3, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो इसमें पाई बाय 4 भी आएगा, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब तो अब हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, इट्स नॉट फ्रैक्शनल एरर एब्सोल्यूट एरर, तो वहां पाई बाई 4 का भी रोल आएगा, यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पे लेंथ कितना है 0.3 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर,
तो 75.3 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर, और पाई का वैल्यू लो 3.14, पाई का कितना लोगे 3.14, और इसको सॉल्व करके निकालोगे पहले कि ये कितना आता है, ठीक है समझ में आपको। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अब सवाल ये है कि उसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे, तो फिर से वो वाले रूल्स लगेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, टोटल 3 है, इसमें 2 है और इसमें 3, तो फाइनल आंसर में कितना चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये कितना आ रहा है, ये बताओ कैलकुलेटर से बताओ। यस अरे आपने उसको नहीं एग्जैक्टली कितना डेसिमल में कितना है, 3.39। तो यहां से ये आएगा 39.406 इंटू 10⁻¹। तो ये जो आया इसको आप एज इट इज रहने दो और इसको आप राउंड ऑफ करो इसको, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन रेजिस्टिविटी में, सॉरी एरिया डायमीटर में सिर्फ कितने 2 है, क्योंकि रीडिंग 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, रीडिंग 0 इज 6, तो 2 ही है। और ये जो आप देख रहे हो लेंथ में कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त जो सबसे कम है सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में उतने ही फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। तो यार इसका मतलब हमें इसे राउंड अप करना होगा सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक में, तो ये 4 को ड्रॉप करेंगे आप, बट 4 इज लेस देन 5, तो 39 विल नॉट चेंज, सो दिस इज 39 इंटू 10⁻¹। ये आया रो का वैल्यू -10, हां वही लिखा है -10 ही लिखा है, तो 39 इंटू 10⁻¹⁰ है, उसको बस यहां डाल दो आपको डेल्टा रो मिल जाएगा। तो डेल्टा रो फाइनली क्या आएगा, यानी एब्सोल्यूट एरर जो आएगा डेल्टा रो, तो डेल्टा रो क्या आएगा 0.04 इंटू 39 इंटू 10⁻¹⁰ मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है ठीक है समझ में आ गया आपको। और उसको भी आप उसको भी क्या करोगे, आप सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या कर लोगे राउंड ऑफ कर लोगे, क्लियर है।